औके कड़ी न देखण जई अपना बिरद संभाली हाथ दे रखे अपने को सास सास प्रतपाली औके कड़ी न देखण जई अपना बिरद संभाली हाथ दे रख अपने को सास सास प्रतपाली प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चेत आद अंत प्रभ सदा सहाय तन हमारा मीत रहाओ मन बिलास भय साहिब के अचर्ज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई मन बिलास भय साहिब के अचर्ज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवां औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले हाथ दे रखे अपने को सास सास प्रतपाले। सतनाम वाहेगुरु साहिब जी कहाँ बुद्ध प्रभ तोष बारे भर न सके महिमा जो तिहारे हम न सकत कर सिफत तुम्हारे आप ले हो तुम कथा सुधारे कहाँ लगे हो कीट बखाने हजूर तख्त चवर छत्र दे मालक
बाणी के बोहित तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर विराजमान गुरु रूप गुरु प्यारे साध संगत जी वडभागे हो सतगुरों की पावन गोद अंदर बैठ करके सतगुरु महाराज जी के पावन पवित्र अमृतमय वचना सरवण कर धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हों के पावन रसना तो उच्चारण किए गए मुख वाक आप जी ने सरवण किया उपरंत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिन्हों की बाणी की लड़ीवार कथा विच आरंभ है गुजरी राग के अंदर जो पावन शब्द उच्चारण किया गया धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी का 491 अंग के उपर जो शब्द सवाईमान है आरंभ के सतगुरु पातशाह जी महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं। भाई साहब जगत जड़ा है अपनी रसना तो राम राम कहिंदा है सारा संसार जड़ा है भाई अपनी रसना तो राम राम जपदे परंतु पातशाह जी कहिंदे हन कि इस प्रकार दे नाल भाई राम कहण दे नाल जड़ा है जीव नूं प्राप्ति हो सकती नहीं जेकर अपने मन के अंदर जड़ा है छल कपट नूं तारण किया होए ते भाई रसना तो जड़ा जीव वह परमेश्वर वाहिगुरु दा नाम जड़ा है वह जपना करी पातशाह जी बख्शिश करदे हन हर हर करी नित कपट कमावै हिरदा शुद्ध ना होई आन दिन कर्म करे बो तेरे सुपने सुख ना होई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई कोरै रंग करे ना चढ़े जे लोचै सब कोई। गुरदेव पातशाह जी महाराज जी कहिंदे हन कि भाई जेकर मन दे अंदर जिहड़ा छल कपट है ते फिर बाहरी तौर ते राम राम कहण दा कोई फायदा नहीं। धन श्री गुरु रामदास महाराज जी के पावन बचना आप जी ने आसा की वार के अंदर भी सरवण किया कि बहुत सारे जीव जड़े हैं भाई उस माले परमेश्वर वाहिगुरु ने कोई किसी नाम के नाल कोई राम के नाम के नाल कोई अल्लाह के नाम के नाल जड़ा उच्चारण करन दे विच लगा हुए परंतु गुरदेव पातशाह जी महाराज जी कहिंदे हन कि कोई भाई संसार दे विच रागां नूं गाउण वाले हन रागां दे द्वारा गा रहे हन कोई नाद नूं सरवण करन वाले हन कोई वेदां नूं गाउण वाले हन सो पातशाह जी बख्शिश करदे हन कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पांत कर नहीं हर हर पीजै राम राजे जिन्हां अंदर कपट विकार है तिन्हां रोए क्या कीजै हर करता सब किस जानदा सिर रोग हाथ दीजै भाई ओ वाले परमेश्वर वाहिगुरु जिहड़ा जानदा है कि यह बाहरी तौर ते जिहड़ा है दिखावे मात्र अपनी रसना तो राम राम कहण दे विच लगा हुए यह बाहरी तौर पर जड़ा है गुरु गुरु करन दे विच लगा हुए भाई अंदर जड़ा है वह संभाले परमेश्वर वाहिगुरु के नाम नूं वसाया नहीं सो दिखावे मात्र पातशाह जी कहिंदे हन कि भाई इस संसार के जीवां नूं दसन वास्ते ते रसना तो जप रहा है गुरु प्रसादी राम मन वसै ता फल पावे कोई गुरु दी दया कृपा दे नाल ओ राम जड़ा रमिया होया जड़ा परमेश्वर वाहिगुरु ओ मन दे अंदर वस जावे
ते भाई फिर संसार दे विच कहिंदे हन सुख फल दी प्राप्ति हुंदी। ते सतगुरु पातशाह जी महाराज जी ने गुरबाणी दे अंदर उदाहरण दे करके भी दस दिता कि भाई इस तरीके दे नाल जेकर जपना तो इस तरीके दे नाल जपना कर, इवें भरोसा करके कहिंदे हन जिवें भगत रोज ने मालिक परमेश्वर वाहगुरु के चरणों पर भरोसा करके उस मालिक परमेश्वर वाहगुरु की बंदगी की। भगत प्रहलाद जी ने जड़ा है उस मालिक परमेश्वर वाहगुरु के चरणों पर भरोसा रख के उस मालिक परमेश्वर वाहगुरु की सिफ सलाहना की। इस प्रकार के नाल कहते हैं तो उस मालिक परमेश्वर वाहगुरु के नाम को जपना कर, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, जिस प्रकार के नाल पाई भगत जना ने उस मालिक परमेश्वर वाहगुरु के नाम को जपे। ते गुरु प्यारे सतसंग जी जिथे भगत जना जड़ा है भावें संसार के अखौते जीव जड़े जना ने भाई संसार दे विच उन्हां दे नाल ईरखा करदिया हुए जिन्हां नूं मंदर दे विच जा के ते राम दा नाम लैण दा अधिकार नहीं, भाई मंदर दे विच बैठ करके वह मंत्रां दा जाप नहीं कर सकदे, वह वेदां शास्त्रां दा जाप नहीं कर सकदे। ते गुरु प्यारे सतसंग जी जिथे भगत प्यारे ने उस मालिक की बंदगी करके ते उत्तम पद जिहड़ा है परम पद की प्राप्ति की, जड़े निरंकार के चरणों के नाल एकमिक हो गए, फिर उन्होंने चरणों में आज सारा जगत भी जड़ा है नमस्कार करता है। तो जिथे उपराला करके गुरु पातशाह जी महाराज जी ने भगत साहबान जी की बाणी, गुरु के प्यारे सिखां की बाणी, गुरु साहबान जी की बाणी भाई गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के अंदर एकत्र की है, क्योंकि गुरु पातशाह जी महाराज जी के समय के नाल भी धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज जी के समय के नाल भी जिथे भाई गुरु घर के आप जी के बड़े भराता भी जिथे आप जी के नाल ईरखा करते रहे, धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज जी की विरोधता जड़ी है इतिहास के अंदर जिक्र मिलता अखीरले सवासा तक भाई पृथ्वी चंद जी करते रहे, परंतु गुरदेव पातशाह जी महाराज जी के मन के अंदर किसी पर पाप की ईरखा दुई दवैत नहीं। इतों तक कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज जी ने जदों आप जी के ग्रह विखे सतगुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज जी का प्रकाश नहीं सी होया, तो भाई पृथ्वी चंद का पुत्र जिहड़ा मेहरबान यह गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज जी के चरणों के ही खेड़ है, गुरु पातशाह जी महाराज जी के दर तो ही जड़ा है गुरमत की विद्या लेंदा है। तो गुरु प्यारे सतसंग जो सतगुरु पातशाह जी महाराज जी ने अजे दया कृपा की कि खुद जड़ा है भाई मेहरबान यह आप बाणी उच्चारण कर लग पे, आप जड़ा है अपने हथी जड़ा है वह बाणी लिखता है। तो सतगुरु पातशाह जी महाराज जी के चरणों के भाई मेहरबान को रख करके भाई पृथ्वी चंद बड़ा खुश है कि गुरु पातशाह जी महाराज जी की कोई औलाद नहीं, मेरा पुत्र ही जड़ा है गुरता गद्दी का वारस बनेगा, मैं तो गुरता गद्दी की प्राप्ति कर सकिया नहीं, परंतु मेरे पुत्र नूं जड़ा है ये दात प्राप्त होवेगी। ते गुरु प्यारे सतसंग जी जदों दल पंजों सुरमे परवकारी दयालु कृपालु सतगुरु पातशाह जी महाराज जी का प्रकाश होए, ते उस समय भाई पृथ्वी चंद के मन के अंदर होर भी ईरखा जाग पई, ते अपने पुत्र नूं जड़ा अपने पास बुला ले सतगुरु पातशाह जी महाराज जी के नाल मेहर विरोध करना आरंभ कर दिता है। इतों तक कि तीन बार जतन उपराला भी किया कि
सतगुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज जी ने छोटी वसा के विच जड़ा खत्म करन दा भाई दाई नूं भेजा है ते दाई दे अस्त्रां नूं जहर ला के भेजा गया कि तू जाके बालक नूं जहर वाला दुध पियाउणा है ते ताकि बालक जड़ा है अपने प्राणां नूं त्याग देवे। गुरु प्यारे साध संगत जी दाई दे अस्त्रां नूं जहर जड़ा ज़्यादा जहरीला होने के कारण ते दाई दे अस्त्रां नूं चढ़ गए उसके शरीर नूं चढ़ गया जिस करके उसका शरीर जड़ा नीला हो गया ते प्राणा नूं त्यागे। एक ब्राह्मण दे राही खीर दे विच जहर पा के जतन उपराला किया गया बालक हरगोबिंद साहब जी नूं जड़ा मारन दा, परंतु आप निरंकार परमेश्वर वाहिगुरु ने हाथ दे करके रखिया सहायता की। एक सपेरे दे राही फनियर नाग जड़ा है बालक हरगोबिंद साहब जी दे नेड़े छड़ के जिथे आप जी भंगूड़े दे विच खेड रहे सन ते एक नेड़े जहरीला सप छड़ दिता गया कि बालक नूं डस लवेगा ते बालक दे प्राण निकल जाणगे। परंतु गुरु प्यारे साध संगत जी बालक अवस्था दे विच सतगुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज जी ने उस नाग नूं अपने हाथ दे नाल पकड़ के ते नाग जड़ा है उसके प्राण कढ दिते। सो जिथे आप निरंकार परमेश्वर वाहिगुरु ने हर प्रकार के नाल रखिया सहायता की ते गुरु प्यारे साध संगत जी जिथे भाई पृथ्वी चंद के विरोधता करदे हुए गुरु नानक साहब जी महाराज जी के मोहर छाप ला के ते भाई मेहरबान जिथे बाणी उचारण करदा है ते संगतां दे विच जड़ा है ये बाणी आउण लगी ते उस समय सतगुरु पातशाह जी महाराज जी के चरणा च भाई गुरुदास जी ने बेनती की सतगुरु पातशाह जी कच्ची बाणी में जड़ी है वह संगतां दे विच आउण लगी है गुरु नानक साहब जी महाराज जी के मोहर छाप ला के ते संगतां दे विच जड़ा है कच्ची बाणी में प्रचारी जा रही। गुरु प्यारे साध संगत जी धन श्री गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज जी के पावन बचन आप जी ने आनंद साहब बाणी के अंदर पढ़े सुने हैं। नितनेम दियां बाणियां दे अंदर सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजू होर कच्ची बाणी जड़ी पाए सतगुरु पातशाह जी महाराज जी की बाणी तो अलावा होर बाणी है। पातशाह जी कहते हैं कि पाई ये कच्ची है ते जड़ी निरंकार दे सिव सलाउणा दे विच नहीं उस माली परमेश्वर वाहिगुरु की वड्याई दे विच नहीं पाई जड़ी सच्ची बाणी दे नाल जड़ा है जिसका रला नहीं हो सकता सच्ची बाणी दे नाल जो मिल सकती नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी कूड़ ते सच दा जड़ा है आपस दे विच कदे भी मिलाप हो सकता नहीं विच सच्चा है कूड़ ना गड़ाई मन वेखो कर निरदास ते इस गल का निर्णय कोई भी करके दे सकदा है। गुरु प्यारे साध संगत जी जदों सतगुरु पातशाह जी महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का पावन सरूप लिखवाना आरंभ किया भाई गुरदास जी के पासों तो उस समय भी कहते हैं कि लाहौर तो कवि जड़े सन चल करके आए शाह हुसैन चल के आए भाई छजू जड़ा चल करके आए पीलो चल के आए इन्होंने आके तो अपनी बाणी जड़ी है कहन लगे सतगुरु पातशाह जी असे सुनया कि तुसी बाणी दर्ज कर रहे हो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा स्वरूप जड़ा है तुसी तैयार कर रहे हो तो साड़ी भी बाणी जड़ी है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के अंदर दर्ज की जावे। ते पातशाह जी कहन लगे कि भाई तुसे अपनी बाणी जड़ी लिखी है यह सानू उचारण करके दसना करो जेकर सच्ची बाणी दे नाल निरंकार दी बाणी दे नाल मेल खांदी होवेगी ते जरूर जड़ा है इसनू गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे अंदर दर्ज किया जाएगा। जदों भाई फिर इन्होंने अपने अपने विचार रखे
किस ने कहन लगा कि मैं ही निरंकार हाँ जिसनों 33 करोड़ देवी देवते आते हैं जिसनों सारी लोकाई तो आती है। कहन लगा कि मैं उ हाँ तो पातशाह जी कहन लगे कि भाई तेरी रचना दे विच जिहड़ा हमें दा वासा हो रहे ते जेकर गुरु के प्यारे पढ़नगे तो उन्होंने मन के अंदर अहंकार आएगा वो भी अपने आप को जिहड़ा है परमेश्वर दे तुल जिहड़ा है खवाउणगे अपने आप को रब समझन लग पैणगे। ते पातशाह जी कहिंदे हन ये बाणी जिहड़ी है गुरु नानक साहब जी महाराज जी दे दर घर दे विच प्रवान हो सकदी नहीं। किसी ने पाई इसत्री नूं जिहड़ा किया कि यह पशु दे समान है ताड़न दे योग है पाई इस नूं जिहड़ा है चिड़कना जिहड़ा बणदा है इस नूं जुती दे नाल रखना बणदा है। ते पातशाह जी ने उन्हां दी बाणी इनकार कर दित्ती कहण लगे कि गुरु नानक साहब जी महाराज जी दे दर घर दा सिद्धांत है इत्थे तां पाई गुरु के लंगरां दे विच गुरु के महल जिथे आप जल प्रशादा तैयार करते हैं माता सुलखणी जी वर्गे माता खीवी जी वर्गे ते जिथे गुरु पातशाह जी महाराज जी दे महल भाई आप गुरु के लंगरां दे विच सत्कार योग जिहड़े हन वह गुरु का लंगर तैयार करते हैं ते जिहड़े राजे महाराजे नूं जन्म देण वाली है गुरुआं नूं जन्म देण वाली है भाई गुरु सिखां नूं भगत प्यारे नूं ते जिहड़े इसतरी जात दे नाल नफरत करते हैं कि इसतरी का मुख देखना चाहिदा नहीं भाई सिद्धां नूं जन्म देण वाली है। ते पातशाह जी कहण लगे कि तुसीं उस नूं माड़ा कह रहे हो सो क्यों मंदा आखीए जित जमे राजान उन्हां दी बाणी भी जिहड़ी है दर्ज करन नूं इनकार कर दिता है। किसे ने कहा कि भाई यह संसार दे विच आउण तों चंगा है कि पहला ही जिहड़ा है जीव मर जावे संसार दे विच पैर पाउण तों पहला ही यह शरीर जिहड़ा है माता दे गर्भ दे विच ही गल सड़ जावे। ते पातशाह जी महाराज जी कहण लगे कि भाई यह तुहाड़ी बाणी जिहड़ी है निराशता पैदा करन वाली है मन दे अंदर उदासी वृत्ति जिहड़ी है पैदा करन वाली है। ते कहिंदे हन भाई गुरु की बाणी तां जीवां नूं जिथे सुचेत कर दी है उस मन दे अंदर कहिंदे हन निरंकार दे मिलाप दी जिहड़ी इच्छा है वह गुरु के प्यारे रखदे हन उदम करदे हन भाई कि उह संभाल परमेश्वर वाहिगुरु दे चरणां दे नाल मिलिया जावे। ते किसे ने कहा कि भाई चुप कर ही तारण चंगी है किसे दे नाल जिहड़ा है बोलन दी लोड़ नहीं। ते गुरु पातशाह जी महाराज जी कहण लगे इत्थे तां भाई जे मनुखा जीवन प्राप्त होए ते गुरु के प्यारे दे नाल कहिंदे हन कि मिल करके ते कुछ विचार जिहड़े उन्हां दे पासों ग्रहण करनी है कुछ विचार जिहड़े हन उन्हां दे नाल सांझे कीते जाने कुछ कहने ते कुछ जिहड़ा है उन्हां दे पासों सरवण करना जदों तक ये जीवन है जब लग दुनिया रही है नानक किस सुनिया किस कहिए पाल रहे हम रहन न पाया जीव त्या मर रहीए। ते गुरु प्यारे सत्संग जी सतगुरु पातशाह जी महाराज जी ने उन्हां दी बाणी जिहड़ी है दर्ज करन तों इनकार कर दिता है भावें गुरु पातशाह जी महाराज जी की विरोधता जिहड़ी है उन्होंने भी समय समय के नाल कीती जिहड़े अपने आप नूं समझ रहे सन कि असीं परमेश्वर वाहिगुरु के भगत प्यारे हाँ। ते गुरदेव पातशाह जी महाराज जी कहिंदे हन कि भाई भगत तां उह है जिहड़ा उस वाले परमेश्वर वाहिगुरु के मन नूं पा जावे अपने अपनी रसना तो अपने आप जिहड़ा भावें कोई जिहड़ा संसार दे जे कहि जावे कि मैं परमेश्वर का बड़ा भगत प्यार। ते गुरदेव पातशाह जी कहिंदे हन असल विच उह भगत हन ते उह मालक परमेश्वर वाहिगुरु के मन में चंगे लगते हैं जेडे अठे पैर उस मालिक दे सिफ सलाउणा करन वाली भगत तेरे मन भावदे
दर सोहन कीर्त गाम दे नानक कर्मा बाहरी दर टोना लहनी ताम दे। इस करके भाई पातशाह जी कहते हैं कि सारा जगत जड़ा भाई अपनी रसना तो राम राम जपण दे विच लगा हुई ते इतों जा के सब कहते हैं कि भाई असें पाए असें प्राप्ति कर लीए। गुरबाणी दे अंदर फरमान करते हैं काट न किन्ने ही कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भुगता। भाई कहते हैं जिस मेले सो भगता जिन्हों वाल परमेश्वर वाहगुरु अपने चरणों के नाल मिला लवी उ परमेश्वर वाहगुरु के प्यारे भगत जन हैं। इस करके भाई कहते हैं सारा जगत अपनी रसना तो राम राम जपन दे विच लगा हुए ते इस प्रकार के नाल कहन दे नाल गल बननी नहीं जिनी देर गुरु की दया कृपा दे नाल ओ रमिया होया राम परमेश्वर वाहगुरु हिरडे दंदर वसदा नहीं। उन्नी देर पातशाह जी कहते हैं कि भाई तेनों किसी फल की प्राप्ति हो सकती नहीं। अंतर गोविंद जिस लग है प्रीत भाई कहते हैं कि अंदरों जिन्हों की उस मल परमेश्वर वाहगुरु के चरणों के नाल प्रीति पै जावे उन्होंने संसार दे विच कहिंदे हन उस मल परमेश्वर वाहगुरु की प्राप्ति की जिन्हों का उस मालिक के चरणों के नाल प्यार बन आंदा। ते गुरदेव पातशाह जी महाराज जी कहिंदे हन उस मालिक के चरणों के नाल ता ही भाई प्यार पैंदा जेकर गुरमुख जना की संगत विच विचरना करे गुरु पातशाह जी महाराज जी के चरणों के नाल जुड़ना करे उस माल परमेश्वर वाहगुरु के सिमरन के नाल जुड़ना करे। भाई फिर कहते हैं कि उस मालिक के चरणों के नाल प्रीति पैंदी है ते साध संगत तो बगैर कहते हैं हिरड़े दंदर प्यार पैदा हुंदा नहीं। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे भाव बिन भगत न होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर स्यों पैज राखो राजा राम मेरी। इस करके गुरुदेव पातशाह जी महाराज जी कहते हैं कि भाई जिन्हों की अंदरों उस माल परमेश्वर वाहगुरु के चरणों के नाल प्रीत पै गई है हर तिस कदे न विसरे हर हर करे सदा मन जीत। उन्होंने पाई वह माल परमेश्वर वाहगुरु हर तिस कदे ना विसरे हर हर करे सदा मन चीत। उन्होंने फिर माल परमेश्वर वाहगुरु जड़ा हिरडे दे अंदरों कदे भी विसरदा नहीं तो मन चित करके हरी हरी परमेश्वर वाहगुरु का सिमरन करते हैं। उस माल परमेश्वर वाहगुरु के चरणों के नाल वडियाइया के नाल जुड़े रहिंदे हैं। तो गुरदेव पातशाह जी महाराज जी कहते हैं हे भाई हे मन तो उस माल परमेश्वर वाहगुरु के सिव सलाउणा दे नाल जुड़ना कर एकागर चित हो करके ये मन हर जी त्याए तो एक मन एक चित पाए हर किया सदा सदा वडियाइया दे ना पछोताई। गुरुदेव पातशाह जी महाराज जी कहते हैं कि भाई मन करके उस मालिक दे सिव सलाउणा दे नाल जुड़ना करिए ते जिन्हां दे अंदरों मालिक दे चरणों दे नाल प्रीति है भाई वह सदा ही अपने मन चित करके उस मालिक का नाम जपते रहते हैं दिखावे मात्र नहीं। गुरदेव पातशाह जी महाराज जी कहते हैं भाई जड़े दिखावे मात्र करते हैं उन्होंने अंदरों प्रीति नहीं जड़े बाहरी तौर पर दिखावा करते हैं तो जड़े जिन्हों की अंदरों प्रीति है भाई वह बाहरी दिखावा करते नहीं तो ना ही भाई संसार के जीव जड़े हैं उन्होंने पहचान भी सकते नहीं। पातशाह जी कहते हैं कि जिन्हों के अंदरों मालिक के चरणों के नाल प्रीत बनी हुई है तो धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज जी के पावन बचना आप जी ने आसा की वार के अंदर सरवण किया अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल आठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन नेहों लगा रब सेती।
देखने विचार गुरु प्यारे साध संगत जी जड़े परमेश्वर के प्यारे जिन्हों के अंदरों प्रीति है कहते हैं बाहर पावी भाई गुदड़ दे समान कहते हैं कि फटे पुराने वस्त्र उन्होंने पहने होन भाई अंदरों संभाले परमेश्वर वाहगुरु के चरणों के नाल जुड़े हुए हैं। धन श्री गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज जी बख्श करते हैं भाई जिन्हों की अंदरों प्रीति निरंकार के चरणों के नाल पै गई। फिर पातशाह जी कहते हैं कि उन्होंने कदे भी मालिक की याद विसरती नहीं मान चित करके ओ राम राम जपदे हन रहाउ हिरदे जिनकै कपट बसै बहरों संत कहै। गुरु प्यारे सतसंग जो जिन्हों के मन के अंदर कपट है पातशाह जी कहते हैं बाहरी तौर पर भाई अपने आप को संसार दे विच संत कहाउंदे हन कि भाई असी परमेश्वर वाहगुरु के प्यारे संत जन ते गुरुदेव पातशाह जी महाराज जी कहते हैं कि भाई गलों के माला पाइया होंदियां हथां दे विच माला पाइया होंदियां हन बारी तौर पर पेख जिहड़ा है वह संतां वाला बनाया हुंदा है परंतु मन के अंदर पातशाह जी कहते हैं कि भाई कपट नूं धारण किया हुई ते गुरदेव पातशाह जी महाराज जी कहते हैं अजिहे भाई परमेश्वर दे संत नहीं गज साढ़े तै तै धोतियां तेहरे पाए न ताग गले जना जप बालियां लोटे हाथ न बग ओहि हर के संत न आखिए बनारस के ठग। पातशाह जी कहते हैं कि भाई उन्होंने बनारस के ठग जानना करो जिन्हों के मन के अंदर कपट है संसार के जीवन लुटन का ते संसार दे जीवां दे नाल पाई मन दे अंदर ईरखा रखते हैं। सो गरीब जान करके नीवें जान करके पाई जीवां दे नाल नफरत करते हैं ते अमीर पुरखां दे नाल जिथे उच्च जात वालियां दे नाल प्रेम करते हैं ते संसार दे जीवां नूं जिहड़ा ठगण वाली बिरती है पाई बगले दे समान अंदर जड़ा है कपट वाली बिरती ते पातशाह जी कहते हैं कि भाई अंदर कपट धारण किया हुए ते बाहरों संत कहाउंदे हन तृष्णा मूल न चुकी अंत गए पछताए ते जिहे जीव जड़े हन जिन्हां दे मन अंदर छल कपट है भाई उन्हां दी मुढ़ तो ही कहते हैं कि तृष्णा जड़ी है वह कदे भी बुझदी नहीं ते अंत फिर संसार दे विचो जांदे हुए उन्होंने पछताना पैंदा है। तो सतगुरु अमरदास पातशाह जी महाराज जी कहते हैं भाई ऐसा काम मूली ना कीचै जित अंत पछोताइए अजिहा काम कहते हैं कि भुल के ना कर। बाबा फरीद साहब जी कहते हैं फरीदा जिन्हें कमी नाहे गुण ते कमड़े बेसार मात शर्मिंदा थी बई साईं दे दरबार जिन्हां कर्मां दे करन दे नाल पई तैनूं मालक दे दरगाह दे विच शर्मिंदा होना पवे अजिहे कर्म जिहड़े हन उन्हां नूं भुल के भी ना कर। सो अजिहा जीव पातशाह जी कहिंदे हन कि जिहड़ा बाहरी तौर ते अपने आप नूं संत खवाउंदा है मन दे अंदर कपट है भाई मन दी तृष्णा कहिंदे हन कि कदे भी जांदी नहीं संसार तो जान समें उस रीब नूं पछताउणा पवेगा। अनेक तीर्थन जे जतन करै तंत्र की हमें कदे न जाए। गुरु प्यारे सतसंग जी जिहा जीव जिहड़ा है कहिंदे हन अनेकां ही तीर्थां ते जाड़ के जतन उपराला करे कि भाई मेरे मन दी जिहड़ी है मैल उतर जावेगी मेरा मन जिहड़ा है निर्मल पवित्र बन गए। पातशाह जी कहते हैं कि हामे की मैल उस कदे भी दूर हो सकती नहीं। गुरु प्यारे सतसंग जी पातशाह जी कहते हैं कि संसार दे विच जीव जिहड़े पाप कर्म करते हैं माड़े कर्म करते हैं फिर तीर्थ स्थानां ते जा करके भाई इशनान करते हैं ते इशनान करके समझ लेंदे हैं कि हुण
धार्मिक स्थानों ते आके इशनान करके मेरे सारे पाप कर्म जिहड़े हन उतर गए हन ते इत्थे ही वास नहीं फिर अगे वास्ते भी जिहड़े माड़े कर्म करने छड़दे नहीं ते अजिहे जीवां दे प्रथाए सतगुरु पातशाह जी कहिंदे हन पाप करे पंचां के बासरे तीर्थ नहाए कह सब उतरे बहुर कमावै होए निसंक जम पर बांध करे कलंक फिर पाई उन्हां नूं कलंकी अखवाया जांदा उह लोह परलोक दे विच पाई दोषी गिणे जांदे हन ते जमां दे वस पैंदे हन सो पातशाह जी कहिंदे हन जमां दी मार तों ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਰਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਜਾਏ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਦੇਸ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦੁਬਿਧਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਵੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਠਿਕਾਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਨਮੁਖੀ ਜੀਵ ਹਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਰ ਗੁਣ ਤਾਸ ਮਨ ਜਪੈ ਏਕ ਮੁਰਾਰ ਤਿਨਕੇ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਰੇ ਧਨ ਸਵਾਰਨ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਧਾ ਭਾਵ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝੈ ਕੋਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇ ਮਾਰੇ ਤਾਹਰ ਪਿੱਠੇ ਸੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇ ਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਈ ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਏ ਸੰਭਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੂ ਇਹ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਡਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮੇ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਏ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਮੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੜਦਾ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਪਾਈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਨ ਫਿਰ ਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗ ਵਾਸਾ
ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਪੀਤ ਕਰਾਰੀ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਉਮੈ ਤੀ ਪੀਤ ਤੋਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਬਨਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਮਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਈ ਮਾਣ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸੇਵਕ ਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ, ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਨ ਉਡਾਈਏ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਸਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਖੰਡੇ ਕੇ ਪਾਹੁਲ ਛਕਣੀ ਕਰ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਛਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡੇ ਕੇ ਪਾਹੁਲ ਦਵਾਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਵੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਾਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
से सत नाम सत नाम सत नाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी जपो सत नाम सत नाम सत नाम जी वाहे खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।